जब लोग कहते हैं कि हम अलखिदमत के ऊपर एतबार करते हैं और जो पैसे देते हैं हमें यकीन होता है कि अगर किफालत यतामा में देंगे तो वहाँ लगेगा, आगोश में देंगे तो वहाँ लगेगा और ईमानदारी से काम होगा, तो आज के ज़माने में जहाँ पर यह बहरान है ऑनेस्टी का और बड़े बड़े दावे करने वालों के भी मामला दुरुस्त नहीं होते, तो आप ये सोचें कि ये कहाँ से टीम आती है, आसमान से तो नहीं उतरते, इसी दुनिया में रहने वाले लोग हैं, ये जमात इस्लामी का निज़ाम तरबियत है, जमात इस्लामी की पूरी तंजीम है कि जो ऐसे लोग तैयार करती है कि जिन पर हर कोई हमारा बदतरीन मुखालिफ भी एतबार करेगा, एतमाद करेगा कि इनके हाथ में जो अमानत देंगे इंशाल्लाह वो हकदार तक पहुँचेगी। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जमात इस्लामी को ये तौफीक दी है कि वो अलखिदमत के इस निज़ाम को चला रही है, और हमें ये बात प्रोजेक्ट करनी चाहिए, हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों को बताएं कि एक एनजीओ के तौर पर काम करने वाले, लीड करने वाले लोग एक एनजीओ को जब इतने अहतमाम से चलाते हैं और जब इनके हाथ में शहर की बागडोर आती है तो वो नेमतुल्लाह खान साहब की सूरत में इस शहर का खादिम बनकर, इस शहर का बाप बनकर, इसका साया बनकर इस शहर की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करता है, तो ये वही जमात है कि जो इस तरह से, उस पर फिर लोगों को भी एतबार करना चाहिए, एतमाद करना चाहिए।